मुझे ढेर सारे मैसेज आए थे और वो इसी चीज़ के बारे में थे कि सर हम अटैम्प्ट दें ना दें क्या करें सारा कुछ इससे रिलेटेड था तो ना मेरा मैं आपको ना एक स्केच बना के दिखाता हूँ मैं मैं जॉब कर रहा था ब्रैनी एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तो एक दिन मेरी कोलीग ने पूछा कि सी करने में ना मुझे एक बात बताओ जो मैं उसको फॉलो करूँ तो मैं ये कर लूँगा पता क्या बात होती है सी एस एस ना मुश्किल है ना सी एस एस आसान है सी एस एस थोड़ा सा ना लेंथी है और उस लेंथी पीरियड में ना जो उस प्रोसेस से रिलेटेड इश्यूज आते हैं अगर आप उन इश्यूज को कंट्रोल कर लें तो आप सी एस पी बन जाते हैं आई रिपीट सी एस एस की तैयारी के प्रोसेस में जो दूसरे इश्यूज उसके आड़े आते हैं अगर आप उन पे कंट्रोल कर लें तो यू कैन डू वॉन्टर मसला दो चार इश्यूज जो मुझे आ, फेस है नंबर वन हम जॉब कर रहे होते हैं यार मेरी जॉब का बड़ा मसला है तैयारी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता मैं ना अगले साल पूरी तैयारी के साथ टाइम दूंगा नंबर टू यार मैं ना भी एम फिल कर रहा हूँ और मैं भी एम फिल में बिजी हूँ अगर मैं थोड़ा सा ना इसको डाउन स्लॉट पे रख लूँ ना तो नेक्स्ट ईयर मैं सही बेहतरीन तैयारी करके दूंगा और जो बहनें सुन रही हैं उनके साथ क्या इश्यूज होता है कि फौरन जो है ना बाबा की तरफ से प्रेशर होता है कि पुत्र बस उन पढ़ाई खत्म शादी करो खत्म ओके बॉयज हैं तो वेरी अनफॉर्चुनेटली पैसे के मसायल फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं तो पता क्या करती हैं चीज़े? ये चीजें ये चीजें इंसान को ट्रैक से हटा देती हैं आई रिपीट मैंने कहा कि सिर्फ एक चीज़ की तैयारी करते हुए जो उस प्रोसेस से एसोसिएटेड दूसरे इश्यूज़ हैं अगर आप उस पर कंट्रोल कर लें तो आप कर लेते हैं अब दूसरा प्रॉब्लम पता क्या बात है जैसे ही नवंबर से दिसंबर क्रॉस होता है ना ठीक ठाक हम तैयारी कर रहे होते हैं अचानक ना हमारा दिमाग हमें कहने लगे थे यार इस तरह करते हैं कि ना इस साल तैयारी कम है अगले साल पक्की अटर्म दे देनी है और बिलीव यू मी हमारे माइंड में पता क्या चल रहा होता है और ये सब के साथ हो रहा होता है ये कोई मेरे साथ किसी के साथ या कोई ऐसी नहीं ये सब के साथ ही हो रहा होता है हमारे माइंड में चल रहा है यार मेरा ना फॉर्म रिजेक्ट हो जाए लिटरली अब माइंड में कि यार मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाए मेरे दिल को तसली हो जाएगी कि यार वो मैंने मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था इसमें मेरी क्या गलती है अगले साल दूंगा नंबर टू यकीन कर बंदा सोचता है यार मेरी ना तबीयत खराब हो जाए तबीयत से भी शबियर डाउन हो जाएगी तो बहाना मिल जाएगा दिल को समझाने के लिए कि यार वो जरा ना मैं तबीयत से भी ख़राब हो गई तो नैक्स्ट दिन में और कुछ तो ऐसे मसाइल आ जाते हैं कि लगता है नाना नानी ना दादा दादी इनमें से कोई ज़रा चला जाए और मैं उधर चार पाँच दिन बिजी हो जाऊँगा और बाद में कहूँगा कि यार वो ना मैं अटैम्प्ट नहीं देखा तो बिलीव यू मी ये सारी चीज़ें आपके फोकस को डाउन कर देती हैं पता क्या बात है हम जब यह सोच लेते हैं कि यार नेक्स्ट अटैम्प्ट देंगे तो नुकसान पता क्या होता है मतलब नवंबर चल रहा है अगर आज को बंदा सोचता है कि मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट दूंगा तो पता क्या होगा आप दिसंबर जनवरी फरवरी मुझसे लिखवा लें आप एक लफ्ज भी नहीं पढ़ेंगे अटैम्प्ट के बाद क्या होगा मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त आप एक लफ्ज भी नहीं पढ़ेंगे ये सारे महीने टोटली वेस्ट जाएंगे हम दोबारा पता कब स्टार्ट करेंगे हम तय स्टार्ट करेंगे सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में और वही सारी चीज़ें जो पिछले साल होंगी वही दोबारा खड़ी होंगी कि यार अब क्या करें तो आ, 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 ये अब जो मैं कहने लगा हूँ ये टोटली मेरा ज़ाती ओपिनियन है आप इससे बिल्कुल इख्तलाफ भी कर सकते हैं आप इससे एग्री भी कर सकते हैं कि अभी जो इश्यूज चल रहे हैं जितने भी स्वेयर हैं उनको फॉर द टाइम बीइंग भूल जाएं, और सिर्फ और सिर्फ फोकस करें अपनी अटैम्प्ट और अगर अभी थर्टी परसेंट तैयारी है और पता चल गया है कि चीज़ें कैसे कैसे होती हैं अगर थर्टी परसेंट अभी तैयारी है तो ये अटैम्प्ट कभी भी मिस ना करना क्योंकि यार साल बहुत बड़ा होता है और ज़िंदगी में और बड़े काम होते हैं ठीक है सी एस एस एक कोई चीज़ नहीं है कि यही करनी है लाइफ में और करने वाली बड़ी चीज़ होती है अगर तुमने अपने आप को फिक्स कर लिया और अगली अटैम्प्ट के चक्कर में पड़ गया तो ये साल भी वेस्ट हो जाएगा अगला पूरा साल भी वेस्ट हो जाएगा एंड यू विल बी लाइक फर्स्ट सो आई रिपीट अगर तैयारी थर्टी टू फोर्टी परसेंट है और चीज़ों का पता है कि कैसे कैसे हैं और कैसे कैसे करनी है तो ये दो तीन महीने पूरी दिल जमई के साथ पूरा जोर करके लगा दो और ये अटैम्प्ट ज़रूर दो अगर ये मिस होगी तो बिलीव यू मीन सारी जिंदगी का बाद में डिपेंड रहेगा टू ऑल those जिन्होंने ये टैक्स किया था कि सर अटैम्प्ट दें ना दें वट एवर आई सजेस्ट यू इफ यू हैव अराउंड थर्टी टू फोर्टी परसेंट प्रपरेशन एंड बैक इन माइंड यू हैवे प्लान कितने कैसे होती हैं तो अटैम्प्ट जरूर दो और जो मसाइल अभी चल रहे हैं लाइफ में उनको पोस्टपोन कर लो और बाद में स्ट्राइट ऑन कर लेना ठीक है विश यू ऑल द बेस्ट और हाँ अगर आई रिपीट ये पाँच छः महीने तुमने पूरा जोर लगा के देरी कर तो हो जाएगी तैयारी सॉरी दो तीन महीने अगर पूरा जोर लगाया मतलब चौदह पंद्रह तेरह चौदह घंटे तक गए तो तैयारी हो जाएगी इट वुड नॉट बी एन इशू ठीक है बेस्ट ऑफ लक